पसीने से हो गया था लथपथ। तो लथपथ जब हो गया मैं ऊपर चढ़ गया थोड़ी सी देर बाद बारिश में। मैंने सोचा कि ये शरीर पे घिसने का पत्थर ले जाऊं, जो घिसते हैं ना वो ले जाऊं। जैसे आया बारिश हो गई कम और लग गई मेरे को चोट। तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ कब बारिश तेज होगी और मैं इसका यूज़ करूँगा। बारिश जब हम यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई और ये मानसून की पहली बारिश है, तो इसमें नहाना तो बनता है यार, क्योंकि इसमें भीगेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं छत पे आया हूँ और छत पे मैं काशवी के साथ थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करूँगा। इसके अलग अलग टैग बताऊँगा, वो देखिएगा जरूर, क्योंकि पहला मानसून, पहली बारिश, पहली बार भीगना मज़ा ही देता है। तो चलें बारिश में एंजॉय करते हैं। जैसे कैसा लग रहा है बारिश में? कब से ना आ रही है? हाँ, कब अच्छा से लग रहा है? कब से ना आ रही है? बहुत ज़्यादा। एरिस पर नहाना बनता है, वो भी इसीलिए कि थोड़ा ना लेने से अच्छा रहता है। मौसम खुशनुमा हो चुका है, थोड़ी सी थकान उतर जाएगी। अभी हम आए हैं पर पूरी रात भर का सफ़र था, पूरी रात भर का। आने के बाद अपने टेरिस पर चढ़ गए और वैसे भी हमें बात तो करना ही था। तो हमारा किस्मत रहा कि हम बारिश में नहाने का हमें मौका मिल गया, तो हम आते में ही तुरंत छत पे चढ़ गए सभी जने। मैं उनका वेट कर रहा हूँ, योगिता और दीप्ति का वेट कर रहा हूँ, वो भी आएंगे और वो भी एंजॉय लेंगे पूरी तरह से बारिश। तो फ्रेंड्स, बारिश आ रही है और मैं नाचना चाहती हूँ। चोट पता नहीं यार क्या हो रहा है, व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट हो ही जा रही है मुझ पे। ये चोट हो गई कि जब एटकॉस्ट पे गया था मैं वेजिटेबल मार्ट में, तो वहाँ पर जैसे अपने कार से उतरा तो कीचड़ में धंस गया। वहाँ पर एक मैडम ने मुझे निकाला, क्योंकि मैं उस तरह से फंस चुका था कि मुझे सहारे की ज़रूरत थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो एक मैडम खड़ी हुई थी, उनसे मैंने हेल्प मांगी और उन्होंने मुझे खींच करके निकाला, नहीं तो मैं पूरा कीचड़ में मिट्टी में धंस जाता, वो चोट हो गई। दूसरी बात, जब पुल पार्टी मना रहे थे तो बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा दबोच लिया था हमने भाणेजों ने, कि मुझे मेरे कैमरे को संभालना पड़ा, मुझे अपने आप को संभालना पड़ा, तो वो हो गई। और आज जब मैं फिर से अपनी सिटी डूंगरपुर में आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी, मज़ा आ रहा था। और जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो बारिश हो गई हल्की और वो पत्थर ऐसे के ऐसे रह गया जो मैं अपने शरीर पे घिसने वाला था, ताकि जो भी शरीर पे जो कहते हैं ना उसको निकल जाए। आप समझ जाइए यार, मैं इसमें नहीं बोल रहा। उस तरफ रेलवे स्टेशन, आप हमेशा कहते हैं ना रेलवे स्टेशन कब स्टार्ट हो, तो मेरी यहाँ टेरिस से ही मुझे दिखती है पूरा ट्रेन का सीन दिखता है। बट अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, वहाँ पर स्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मेरे को बहुत सारे DM आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप कब उदयपुर सीरीज स्टार्ट करने वाले फिर से। तो एक बात फिर से बता दूं कि थोड़ा सा टाइम निकल जाए, ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है और वहाँ पर दिखाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने ब्लॉग में ले सकूं।
अभी वर्किंग चल रहा है और बहुत सारा वर्किंग बाकी है, इसीलिए मैं उस सीरीज को फिर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत जल्दी स्टार्ट कर लूँगा जैसे मुझे लगेगा कि नहीं मुझे ये बताना चाहिए, मेरे व्लॉगिंग में आना चाहिए और मुझे सुटेबल लगेगा कि नहीं ये ज़रूरी है, तो मैं फिर से उसको स्टार्टिंग से बताना चालू करूँगा। तो वेट करिएगा और मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो 2 बजे के आसपास निकला था और मैंने पूरे 16 घंटे कार ड्राइव की थी, और आप जानते हैं इतनी ड्राइव करने के बाद कितना स्ट्रेस होता है बॉडी को, अपनी आईज को। तब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं दूसरे दिन जा कर के सो गया था, थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दिया था मैंने, बट आती समय भी ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे नाइट को ही निकलना पड़ा। कल रात को मैं निकला और आज सुबह पहुंचा, हालांकि मैं 2 बजे के आसपास ही निकल गया था वहां से, बट आज सुबह मैं पहुंच गया था, क्योंकि यहां राजस्थान में आने के बाद कहीं जाम वाम का लफड़ा वफड़ा रहता नहीं है, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। मैंने आकर के बारिश में नहाया, नहाने के बाद मेरी आंखें हो गई भारी, और जब मैंने ग्लास में देखा, कांच में देखा अपने आप को, शक्ल मेरी, तो कुछ ऐसे स्पॉट पड़े हुए। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने कलर बार खरीदा था, तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ किया जाए। कलर बार मैंने नहीं खरीदा, दीप्ति ने खरीदा था मॉल में, वो भी आरडी सिटी मॉल से कलर बार, उसने पेंसिल और लाइनर्स जो भी उसने खरीदे थे उसके साथ आई मास्क आया था। तो ये कलर बार का आई मास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके इफ़ेक्ट्स देखूँगा और इसको लगाते हुए बताता हूँ मैं आपको आई मास्क कैसा है। अरे एक बात तो कहना भूल गया, म्यूजिक बजने से पहले इसको खोल लेता हूँ मैं आपको, खोल के बता देता हूँ। कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है और मुझे इसे खोलना होगा। पाउच को मैंने अभी फाड़ दिया था, पर ऐसा पाउच इसके अंदर से निकला और ये कुछ इस तरीके से आई मास्क। अब मैं इसको लगाऊंगा। हाँ, अब बजाओ म्यूजिक। 30 मिनट्स तक अपनी आईज पे रखना है, 30 मिनट्स बाद हटा सकते हैं ना। आप देख लीजिए, आपको खुद कोई फर्क नजर आ रहा है? अच्छा, जेल पूरी तरह से हट गया था और मुझे अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। ऐसे कलर बार के साथ अगर हमें मिलते रहे ना तो मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय, शब्बा खैर।